वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 50 ग्राम इमली, जिसको मैंने रात में 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, इसको स्ट्रेनर से मैंने छान लिया है। उसके बाद इसके लिए लगेंगे गुड़, 50 ग्राम गुड़ है। 1 टेबल स्पून तेल, ये हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून खड़ा जीरा, 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून भुना जीरा और हाफ टेबल स्पून सौंठ का पाउडर। चलिए बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे खड़ा जीरा, और इसको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए डालेंगे। जो हमने इमली का गूदा लिया हुआ था स्ट्रेनर से छानकर, उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको स्ट्रेनर से छानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें इमली के कुछ टुकड़े रह जाते हैं जो मुंह में जाने के बाद फिर अच्छे नहीं लगते। पहले हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें डालेंगे गुड़, हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने हाफ टेबल स्पून ली हुई थी, इससे चटनी का कलर भी अच्छा आ जाता है, वो देखने में अच्छी लगती है। और हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, और इसको फिर हम अच्छे से चला लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जो हमने चीनी लिया हुआ था, इससे इमली और गुड़ का टेस्ट जो है मीठापन खट्टा वो बैलेंस करता है चीनी, इसलिए इसमें 1 टेबल स्पून चीनी हम डालेंगे। और इसको फिर अच्छे से मिला लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमें इतनी ही गाढ़ी चटनी चाहिए कि जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे ये जो हमने जीरा भुना हुआ लिया हुआ था, इसको इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से इसको भी मिला लेंगे। और ये देखिए हमारी तैयार हो गई इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसको 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने के लिए। इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। यह हमारी तैयार हो गई है इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।